आपने एक शेर सुना होगा, लफ्ज़ कहने वालों का कुछ नहीं जाता, लफ्ज़ सहने वाले कमाल करते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका किरदार बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छी शख्सियत के तौर पर पैदा किया, आपके अंदर एक अच्छी शख्सियत रखी है, एहसास करते हैं आप, चैरिटी में अपना हिस्सा देते हैं, जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं आप उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनको शाबाश भी देते हैं, लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, आप सोच समझ कर बोलते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो आप दुनिया के बहुत अजीम इंसान हैं। जो लफ्ज़ों के तीर होते हैं बड़े दिल चीर होते हैं, समझो ना खामोश लहजों को, ये भी शमशीर होते हैं। तो पता चला कि लफ्ज़ शख्सियत की शख्सियत को निखारने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दुनिया का एक असूल है, अगर आप किसी की तारीफ़ करेंगे तो वो आपकी तारीफ़ करेगा, आपकी तारीफ़ से खुश होगा। अगर आप किसी की दिल आज़ारी करेंगे तो उसका उसकी शख्सियत के साथ साथ आपकी शख्सियत पर भी असर पड़ेगा। इस चीज़ को हम बिल्कुल गौर नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक शख्स जो कामयाबी की तरफ जा रहा है, हम क्या करते हैं, एक शख्स जो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, हम उसकी दिल जोई नहीं करते, हम उसका हौसला नहीं बढ़ाते। अच्छा देखें, एक शख्स आपके बारे में मनफी सोच रखता है, अगर आप किसी पर तनकीद करते हैं तो आपकी शख्सियत का एक मनफी पहलू, मनफी असर उसके जहन में बैठ जाता है, और आपका उसके साथ जो एक रिश्ता, एक ताल्लुक़, एक प्यार, एक मोहब्बत, वो सारा ख़त्म हो चुका होता है, और वो आपको किसी और पहलू से और नुक्ता नज़र से देखने लगता है। और इस सब के साथ हमारे अंदर एक मनफी सोच का बुत खड़ा हो जाता है और हम उसके ताबे हैं, हम उसको तोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। पहल करें, जो आपके बारे में मनफी सोच रखता है उसकी सोच क्लियर करें। अच्छा हम क्या करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी अना में कैद रहते हैं, गलती उसकी है, मेरी नहीं है, मैंने किया ही नहीं है। भाई नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लें, चलें उसके पास जाएं, उसकी गलतफहमी दूर करें। आपने कभी अपनी शख्सियत को निखारने की कोशिश की है? कभी कभी जल्दबाजी में बोले गए लफ्ज़ों का खमियाजा नस्लों को भुगतना पड़ता है, लम्हों की सदा सदियों को मिलती है। अब फैसला कर लें, आप हमेशा अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, आप बहुत जल्द लोगों में मकबूल हो जाएंगे, लोग हर महफिल में आपको बुलाना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ मिलना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ बात करना पसंद करेंगे, आपकी मिसाल देंगे। नई और कामयाब ज़िंदगी बाहें खोले आपका इंतज़ार कर रही है, ऐसा करके तो देखें, कोशिश तो करके देखें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और याद से बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। अल्लाह निगेबान।